जी हाँ, एंगल चैनल पाइप, रंगीन पत्रे, जाली और लोहे से संबंधित सभी सामान जब मिले एक ही छत के नीचे, तो फिर इंदौर जाने की क्या जरूरत है। न्यू लोहा मंडी, पंधाना रोड, खंडवा। संपर्क 9425085153 और 9407135765। मध्य प्रदेश के खंडवा में पिछले एक महीने पहले कोरोना इतनी ज़्यादा तेजी से फैला था कि जिले में देखते ही आंकड़ा जो एक्टिव का था 700 से ज़्यादा हो गया था। लेकिन आपको बता दें, अच्छी बात यह है कि लगातार ये आंकड़ा घटता चला जा रहा है और अब जिले में सिर्फ 127 एक्टिव मरीज हैं। और आज आपको बता दें, सिर्फ 12 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 68 ठीक हुए हैं। और पिछले कई दिनों से ऐसा ही चल रहा है, यही सिलसिला रहा तो अगले कुछ ही दिनों में खंडवा कोरोना से मुक्ति पा जाएगा। और हमें ही नहीं, ज़्यादातर जानकार लोगों को ये उम्मीद है कि अब कोरोना भारत, मध्य प्रदेश, खंडवा से हमेशा के लिए बाय बाय हो जाएगा। और अब कोरोना नाम का जो सब्जेक्ट है, जो बीमारी है, जो चर्चा है, वो एक इतिहास बन जाएगा। कोरोना के दौरान लॉकडाउन की वो यादें हम आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे और जो हमारा एक्सपीरियंस है, जब हमें मौका मिलेगा हम लोगों से शेयर करेंगे। जो छोटे बच्चे, उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से कोरोना ने हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया और उस दौरान क्या क्या हुआ। तो अब ये सब बातें भविष्य में होने वाली है, क्योंकि कोरोना की अब उम्मीद है न चौथी लहर आएगी न पाँचवीं, और ये लहर अब आखिरी लहर होगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि कोरोना के बारे में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अब कोरोना का ये पता लग गया है कि ये सर्दी, खांसी, बुखार, जुखाम वाली कहानी है। और अब ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है, बूस्टर डोज भी लग चुकी है, स्कूल के बच्चों को जो 11वीं 12वीं के हैं उन्हें भी लग चुकी है। तो अब इसका जो खतरा है वो लगभग ना के बराबर बराबर है। अब जितने वेरिएंट आने थे वो आ गए, अब बाय बाय होने की तैयारी में है। और हमें भी और आपको भी ये उम्मीद होगी कि मास्क जो नाक पर हमें पिछले 2-3 साल से 2-2.5 साल से लगाए रखना पड़ रहा है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। भीड़ भाड़ में अब हम पहले की तरह मस्ती कर पाएंगे, डांस पार्टी कर पाएंगे जैसे करते थे। तो अब इन सब फालतू की चीज़ों से हमें मुक्ति मिलने वाली है।